आप सभी दोस्तों का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों मैंने काफी दिनों पहले एक वीडियो बनाया था जिसमें बताया था कि आप प्लेइंग 11 कैनवा की मदद से कैसे बना सकते हैं, जो प्लेयर हैं उनको आप अपने OBS में ले जाकर लाइव स्ट्रीमिंग में कैसे दिखा सकते हैं। पर वो थोड़ा भाई बहुत ज्यादा मुश्किल था मेथड, क्योंकि ये सारे प्लेयर को आप फोटो डाउनलोड करना पड़ता था, फिर यहाँ पे लाके लगाना पड़ता था। इतना करते करते भाई आधा घंटे का समय लग जाता था, जिसके कि प्रॉपर टाइमिंग से लाइव स्ट्रीमिंग नहीं हो पाती थी और मेहनत ज्यादा लगती थी। मैं सोल्यूशन लेकर आया हूं आप लोगों के सामने कैसा। यहां पर दोस्तों मान लो ये फोटो थे, ठीक है, तो इनको रिप्लेस करना पड़ता था पहले प्लेइंग 11 से करके जो भी प्लेयर चेंज होते थे। यहां से जैसे कि इसको रिप्लेस करना है, ठीक है, यहां पर रिप्लेस कर दिया। इसमें टाइम लगता था मैनुअल करने में, पर आप लोगों के लिए मैं कैसा जुगाड़ लेकर आया हूं। यहां पर जैसे कि आप प्लेइंग 11 यहां पर मैच लाइव कर रहे हैं या लाइव करने जा रहे हैं, इससे पहले आप कुछ प्रीव्यू वगैरह दिखाना चाहते हैं, तो मैंने वो सारा चीज़ें CSS से अचीव कर लिया है। CSS से मैंने डाटा लेकर मॉडिफाई किया है CSS के थ्रू। आप लोग देख सकते हैं जैसे कि प्लेइंग 11 है, तो यहाँ पर प्लेइंग 11 का सोर्स में सिर्फ URL पेस्ट करेंगे, सारी चीज़ें शो होना स्टार्ट हो जाएंगी। यहाँ पर देखो बैथ मुनी जो भी करके हैं, दोनों तरफ की प्लेइंग 11 आपको सामने स्क्रॉल होना दिख जाएगी। मैंने ये चीज़ें CSS में ऐड करी हैं, और प्लेइंग 11 के अलावा मैंने एक चीज़ ऐड करी है, स्कोर कितना बनाया है, किसने कितना स्कोर बनाया है, वो सारी चीज़ें एकदम एडवांस लेवल पे मैंने CSS से अचीव किया है। तो आप लोगों के काफ़ी तो कमेंट आ रहे थे भाई, मैसेज कर रहे थे पर्सनल मेरे को कि एक ऐसा कोई जुगाड़ बताओ यार ताकि मेहनत के बिना सारा कुछ काम हो जाए, मैं अपनी ऑडियंस को दिखा सकूं चीज़ें। यहाँ पर देखो किस तरीके से एकदम क्लियर एंड चीज़ें दिख रही हैं, किसने कितने रन बनाए हैं। जॉर्जिया वेहरन ने देखो 5 रन बनाए, 9 गेंदों का सामना किया है। इस तरीके से सामने यहाँ पर दिखा सकते हैं आप अपने किसने कितने विकेट लिए हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ पर शो होंगी। आप लोग थोड़ा वेट करिएगा, स्क्रॉल हो रही हैं चीज़ें, एक एक चीज़ करके यहाँ पर आ रही है। इसी तरीके से प्लेइंग 11 में बात करता हूँ, तो प्लेइंग 11 देखो यहाँ पर प्लेइंग 11 में सारी चीज़ें कौन कौन है, कौन आज बेंच पे बैठा है, कौन मान लो सपोर्टिंग स्टाफ में कौन कौन है अपने यहाँ, जैसे इंडिया के मान लो कि गौतम गंभीर है, या फिर और सपोर्टिंग कोच कौन है, बॉलिंग कोच कौन है, कैच वाला फील्डिंग कोच कौन है, वो सारी चीज़ें ये ऑटोमेटिक शो करेगा आपको, देख देख के सिर्फ बोलना रहेगा, कमेंट ही करना रहेगा दोस्तों। बाकी आप जैसे कि मैच लाइव स्टार्ट हो गया, तो दोनों को सोर्स को हाइड कर सकते हैं यहाँ पर, और मैच ऑटोमेटिक अपने हिसाब से चला सकते हैं यहाँ पर। तो जिस दोस्त को चाहिए आप कमेंट कर सकते हैं, मैं कमेंट में लिंक दे रहा हूँ इंस्टाग्राम की, वहाँ से आप कनेक्ट कर सकते हैं मेरे को, बात कर सकते हैं। मैंने काफ़ी रिसर्च के बाद बनाया है आप लोगों की मदद के लिए दोस्तों। थोड़ा इसका चार्ज लगेगा, आप ले सकते हैं इसका CSS। एक बार सेट कर लेंगे आप, सिर्फ URL पेस्ट करेंगे मैच का, सारा डाटा फेंच कर लेगा, और आप आराम से चीज़ें शो करा सकते हैं यहाँ पर तरीके से, या फिर प्लेइंग 11 हो गई और स्कोर हो गया। अब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद, मिलते हैं किसी दिन अगले वीडियो में। कोई प्रॉब्लम हो तो आप इंस्टाग्राम पे बात कर सकते हैं, अपनी प्रॉब्लम का सोल्यूशन पा सकते हैं मेरे से, क्योंकि मैं प्रॉपर फुल टाइम इसी पे रिसर्च करता हूँ आप लोगों के लिए। धन्यवाद।